और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के स्मार्ट सिटी सभागार में जिला प्रशासन और मेयर ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए नगर निगम ने रैन बसेरों का निर्माण करवाया है। वहीं शेल्टर होम में खाना और पानी की व्यवस्था की गई है, साथ ही गर्म कपड़ों के इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा जिला अधिकारी ने बताया कि 17 स्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं और स्मार्ट सिटी ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं उपचार के लिए हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया है कि ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण किए जा रहे हैं और राहत कार्य से संबंधित जो कार्य हुआ है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने के उद्देश्य से और बाकी जन सामान्य से प्रशासन की क्या अपेक्षाएं हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, नगर निगम क्या कर रहा है, वो सब चीजें आप लोगों के समक्ष रखने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इसमें आप सभी लोगों का माननीय मेयर